फीता काटते ये हैं सांसद केपी यादव, और केपी यादव जिस जगह फीता काटकर उद्घाटन कर रहे हैं वो जगह है पासपोर्ट सेवा केंद्र। लेकिन खबर ये नहीं है कि सांसद ने पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन किया है, खबर तो ये है कि सांसद पर चोरी छिपे पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन करने का आरोप लगा है। विलम्ब नहीं हुआ है, कार्य कायदे से ये होता है कि मुझे ये था कि कोई केंद्रीय मंत्री आकर करें, क्योंकि बड़ी सौगात है क्षेत्र के लिए, पर किसी कारण से पहले हम विधानसभा के पहले ही करने वाले थे, मैंने पत्र भी लिखे थे, पर किसी कारण से आना नहीं हो पाया और अभी भी फिर से आचार संहिता लगने वाली है, तो मुझे ऐसा लगा कि कर लेना चाहिए, ऊपर मैंने पत्र वगैरह दे दिया था। जी हाँ, सांसद केपी यादव पहुंचे तो पासपोर्ट सेवा केंद्र का निरीक्षण करने थे, लेकिन अचानक पता नहीं क्या सूझा कि फीता ही काट गए। मेरे पास थी सांसद जी कोई एक फॉर्मल विजिट पासपोर्ट सेवा केंद्र की उनको करनी थी, तो उसके लिए वो आए थे, तो वो विजिट करके यहाँ पे कितने पासपोर्ट बन चुके हैं क्या था, तो वो तैयारियों का जायजा लेने के लिए ऐसा मुझे सूचना मिली थी, तो मैं उनको रिसीव करने के लिए यहाँ पे आया था। लेकिन रिबन काट दिया गया, उसका नारियल फोड़ दिया। इस संबंध में मैं कुछ मुझे ना जानकारी है ना मैं इस संबंध में कुछ कहता हूँ। दरअसल गुना में बने इस पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करने वाले थे, लेकिन अचानक उनका कार्यक्रम बदल गया और इसका उद्घाटन नहीं कर पाए। सिंधिया और सांसद केपी यादव की हमेशा से अनबन रही है और मीडिया में भी कई बार ऐसी खबरें सामने आईं जिनसे यही लगा कि दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, और ये वही पासपोर्ट सेवा केंद्र है जिसके खुलने को केपी यादव अपनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं। अब सांसद ने तो चोरी छिपे इसका उद्घाटन कर दिया है, ऐसे में देखना यही है कि आगे क्या होता है।